हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम महाश्वेता देवी के लिखे द हंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। हियर कम्स आर क्वेश्चन नंबर 1। विच स्टोरी प्रेस्क्राइब्ड इन योर कोर्स बिगिंस विद द लाइन द प्लेस इज ऑन द गोमो दल्तौनगंज लाइन। द करेक्ट आंसर इज द हंट। द हंट स्टोरी को बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया था और इस स्टोरी को भी ओरिजिनली बंगाली में ही लिखा गया है। दोस्तों, इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने का काम गायत्री स्पीवैक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अपॉन अ टाइम वाइट्स हैड टिम्बर प्लांटेशंस इन विच विलेज। द राइट आंसर इज कुरुदा। कुरुदा एक गांव का नाम है। दोस्तों, आज़ादी से पहले यहाँ गोरे आदमी डिक्सन का बंगला था, उसके जंगल थे जहाँ वो इमारती लकड़ी अर्थात टिम्बर प्लांटेशन किया करता था। आज़ादी के बाद कंडीशंस बदलने पर डिक्सन फैमिली यहाँ से चली गई। कुरुदा गांव का रेलवे स्टेशन भी हटा दिया गया और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया कुरुदा आउट स्टेशन अबंडेंट। कुरुदा के स्थान पर अब रेलवे स्टेशन तोहरी शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, तोहरी इस पूरे क्षेत्र का सबसे बिजी स्टेशन है। हु लुक्ड आफ्टर द डिक्सन बंगलो एंड हाउस होल्ड। द करेक्ट आंसर इज भिकनी। भिकनी मैरी की मदर का नेम है। दोस्तों, मैरी की मदर डिक्सन के बंगलो और हाउस होल्ड की केयर करती थी। डिक्सन्स भारत की आज़ादी के बाद इंडिया छोड़कर चले गए थे। फिर 1959 में डिक्सन का बेटा वापस कुरुदा आया और आकर उसने अपने बंगलो, फॉरेस्ट और हर चीज़ को बेच दिया। जाने से पहले वो भिकनी को प्रेग्नेंट कर गया और अपना ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर भिकनी की बेटी का नाम मैरी पड़ा। मैरी ही हमारी आज की कहानी द हंट की प्रोटेगनिस्ट है। दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है और उसका पूरा नाम है मैरी ओरियन। ओरियन उस ट्राइब का नाम है, उस प्रजाति का नाम है दोस्तों जिससे वो बिलोंग करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट रिलीजन डिड भिकनी मैरीज मदर गिव अप आफ्टर प्रसाद जी फ्रॉम रांची केम टू लिव इन द डिक्सन बंगलो। ऑप्शन आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। डिक्सन के समय से ही भिकनी क्रिश्चियन थी और डिक्सन से जो बेटी उसकी हुई उसका भी उसने क्रिश्चियन नाम मैरी ही रखा था। लेकिन फिर मैरी के बायोलॉजिकल फादर डिक्सन ऑस्ट्रेलिया चले गए और बंगलो पर रहने के लिए रांची से प्रसाद जी आ गए। प्रसाद जी रिफ्यूज्ड टू एम्प्लॉय भिकनी। एट दैट टाइम भिकनी गेव अप क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु पाश्चर्स द प्रसाद कैटल एंड सेल्स कस्टर्ड एप्पल्स एंड गवावास ऑफ प्रसाद ऑर्चर्ड। अर्थात प्रसाद जी के कैटल को पाश्चर्स ले जाने का काम कौन करता है और एप्पल्स और गवावास को मार्केट में बेचने के लिए कौन जाता है। द करेक्ट आंसर इज मैरी। मैरी प्रसाद के कैटल को खेतों में ले जाने का और लाने का काम तो करती ही है दोस्तों, साथ ही उनके बगीचे के सेब और अमरूद को बेचने के लिए वो तोहरी मार्केट में भी जाती है। उस मार्केट में 18 साल की हो चुकी मैरी के बहुत सारे एडमायरर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द ड्राइवर ऑफ द टिम्बर ट्रक हु गॉट ड्रंक एंड ट्राई टू कैरी हर ऑफ। रतन सिंह इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अभी हमने जाना ही था कि तोहरी मार्केट में मैरी को चाहने वाले बहुत से लोग हैं और उसके ऊपर बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं। ऐसी ही लड़ाई रतन सिंह ड्राइवर और जालिम के बीच में हो गई थी। जब रतन सिंह शराब पीकर मैरी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था तब अचानक जालिम वहां पहुंचता है और रतन सिंह को खूब पीटकर मैरी की इज्जत बचा लेता है। तभी से
मैरी जालिम के पास बैठकर ही अपने आर्टिकल्स बेचती है। मैरी एंड जालिम हैव डिसाइडेड दे वुड मैरी जस्ट आफ्टर दे सेव्ड 100 रुपीज, 1,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज। मैरी और जालिम ने डिसाइड किया है कि वो शादी तब करेंगे जब वो इकट्ठा कर लेंगे कितने पैसे। द करेक्ट आंसर इज 100 रुपीज। मैरी और जालिम दोनों मैरिज कर लेंगे जब उनके पास 100 रुपीज इकट्ठे हो जाएंगे। दोस्तों जालिम पूरे 100 रुपीज खुद ही सेव करना चाहता है, लेकिन मैरी भी चुपचाप सेविंग करने में लगी हुई है। और महुआ ट्री है जो मैरी को पैसा कमाने में और बचाने में हेल्प कर रहा है। वट वॉज अ कैश फ्रूट एट द प्रसाद एस्टेब्लिशमेंट। प्रसाद के एस्टेब्लिशमेंट में कौन सा फ्रूट है जो कि बहुत मुनाफा देता है। द करेक्ट आंसर इज महुआ। महुआ एक कैश फ्रूट है दोस्तों, क्योंकि महुआ से लिकर बनती है, महुआ के काले बीज से तेल निकाला जाता है और महुआ ही वॉशिंग सोप बनाने के भी काम आता है। मैरी ही प्रसाद की प्रॉपर्टी में लगे 4 महुआ पेड़ों के फल को तोड़ती है। गांव का कोई दूसरा व्यक्ति महुआ के इन पेड़ों पर नज़र भी डालता है तो मैरी उसे अपनी मसेटी यानी कि छोटी छुरी से डराती है। और वैसे भी उन महुआ फ्रूट्स पर मैरी का ही राइट था, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था इफ देयर आर महुआ ट्रीज ऑन एनी वंस लैंड इन द फॉरेस्ट एरिया द राइट टू द फ्रूट गोज टू द पिकर। प्रसाद जी यानी कि लक्ष्मण प्रसाद को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन उनकी पत्नी मिसेस प्रसाद ये सोचकर उखड़ी उखड़ी रहती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी के महुआ फ्रूट्स से पैसा मैरी कमा रही है। हु सेज टेक नो नोटिस हु विल क्लीन सो वेल पास्चर द काउज सो वेल सेल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स एट अ प्रॉफिट एट तोहरी। सही जवाब लक्ष्मण प्रसाद है दोस्तों। वो अपनी वाइफ मिसेस प्रसाद से कहते हैं अगर मैरी उनकी प्रॉपर्टी के 4 महुआ पेड़ों के फलों को तोड़ती भी है तो कोई बात नहीं, ये तो सोचो कि वो कितना काम करती है, कितनी साफ सफाई रखती है, गायों को कैसे चारागाह ले जाने और वापस लाने का काम करती है। तोहरी जैसी बड़ी मार्केट में अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स और नट्स को बेचकर जितना मुनाफा वो हमें कमा कर देती है उतना कोई भी नहीं दे सकता है। हु इज कॉल्ड मुसलमान्स चिक इन द शॉर्ट स्टोरी द हंट। द हंट में मुसलमान की चिक किसको कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज मैरी, क्योंकि मैरी एक मुसलमान लड़के के प्रेम में है जिसका नाम है जालिम। मैरीज लाइफ इज ट्रबल्ड व्हेन कलेक्टर सिंह डिसेंड विद प्रसादजीत सन। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रसादजीत सन। द राइट आंसर इज बनवारी। बनवारी भी मैरी के एडमायरर्स में से ही एक है, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति आया है जिसका नाम कलेक्टर सिंह या जिसे तहसीलदार सिंह भी कहा जाता है, वो मैरी की सुंदरता को देखकर पगला जाता है और उसे परेशान करने लगता है। वो मैरी से कहता है कि तुम बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह लगती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज पिग हेडेड एंड टेक्स आफ्टर हिज मदर। द राइट आंसर इज बनवारी। जो प्रसाद जी का बेटा है बहुत बड़ा वाला मूर्ख है और अपनी माँ पर गया है। ये बनवारी ही था दोस्तों जो कुरुदा गांव में कलेक्टर सिंह या तहसीलदार को ले आया था और उसने मैरी की मुसीबत को बढ़ा दिया था। मैरी को वो सरेआम छेड़ता रहता है और उसका हंट करना चाहता है। अब तो मैरी ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो शिकार होगी नहीं, वो शिकार करेगी। और उसने डिसाइड किया है कि जानी परब के दौरान उस तहसीलदार सिंह का वो शिकार अपनी मसेटी से कर ही देगी। मसेटी अर्थात छोटी छुरी। हु इज कॉल्ड द सिटी बास्टर्ड। तहसीलदार सिंह को ही सिटी बास्टर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तहसीलदार सिंह इज हंटेड बाय मैरी ड्यूरिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल कॉल्ड जानी परब। वो तहसीलदार सिंह को एक पहाड़ी के पीछे मिलने बुलाती है और उसके साथ प्यार का झूठा ढोंग करती है और फिर अपनी मसेटी अर्थात छोटे छुरे से उसको किल भी कर देती है। हु हैज ट्रांसलेटेड महाश्वेता देवीज द हंट इन टू इंग्लिश। ऑप्शन आर खुशवंत सिंह,
रामचंद, गायत्री स्पिवेक, none of the above. The correct answer is गायत्री स्पिवेक. महाश्वेता देवी is one of the foremost writers in which language? मराठी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली. The correct answer is बंगाली. Next question is महाश्वेता देवी's story The Hunt centers around animal hunting festival called जानी परब, बंगला परब, हंट फेस्टिवल और none of these. The correct answer is जानी परब. जानी परब is A oblique N. Options given are spring festival, autumn festival, winter festival or none of the above. The correct answer is spring festival. जानी परब is a spring festival which is also called the festival of justice. Who is the main protagonist in Mahasweta Devi's The Hunt? Options given are Mary, Bhikni, Alice or none of these. The correct answer is Mary. Mary is the daughter of Bhikni, Elizabeth, Maria or none of the above. The correct answer is Bhikni. Who is hunted towards the end of the story? The Hunt. Options are Tehsildar, Ramchand, Lakshman Chand, none of the above. The correct answer is Tehsildar. Mary keeps with her a weapon called knife, arrow, pistol, machete. The correct answer is machete. Next question is what is the full name of Mary? Mary Dixon, Mary Bhikni, Mary Orion or none of the above. The correct answer is Mary Orion. Mary and her mother worked for Tehsildar, Dixon, Prasad Ji or none of the above. The correct answer is Prasad Ji. How old is Mary in the story? Options given are 20 years, 18 years, 24 years, 16 years. The correct one is 18 years. In which market does Mary sit to sell her goods? Bohri market, village market, old market or Tohuri market? The correct answer is Tohuri market. Who harasses and stalks Mary? Dixon, Tehsildar, Prasad Ji or none of the above. The correct answer is Tehsildar. Mary plans to marry to whom? Options are Tehsildar, Prasad Ji, Jalim or none of these. The correct answer is Jalim. Mary's father Dixon migrated to which country? Australia, Canada, England or America? Australia is the right answer, friends. The Hunt was published in an anthology named Imaginary Maps, Tribal Stories, Murti, Aranyar Adhikar. The correct answer is Imaginary Maps. Next question is, when did Mahasweta Devi receive Sahitya Academy Award? The correct answer is 1979. इन्हें बंगाली लैंग्वेज में लिखने के लिए साहित्य अकेडमी मिला था और वो वर्क जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी मिला था दोस्तों वो एक नॉवल था जिसका नाम था अरेनियर अधिकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड महाश्वेता देवी रिसीव पद्मश्री. महाश्वेता देवी रिसीव्ड पद्मश्री इन 1986 फॉर हर सोशल वर्क. व्हेन डिड महाश्वेता देवी रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड. इट वॉज 1996 व्हेन शी वॉज अवॉर्डेड with this prestigious award. When did Mahasweta Devi receive Raymond Magsaysay Award? The correct answer is 1997, friends. Mahasweta Devi was awarded with Sahitya Academy Award in Bengali, Gyanpith Award, Raymond Magsaysay Award or all the above. The correct answer is all the above.
हु रोट हजार चौरासी मा और द मदर ऑफ 1084? द करेक्ट आंसर इज महाश्वेता देवी. विच पॉलिटिकल लीडर डिड महाश्वेता देवी सपोर्ट? द करेक्ट वन इज ममता बनर्जी. हाउ डिड महाश्वेता देवी डाई? ऑप्शंस आर ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, ऑल द अबव. द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर. हु रोट द बायोग्राफी झांसी रानी? ऑप्शंस आर मोहन राकेश, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी और नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज महाश्वेता देवी. एट व्हाट एज डिड महाश्वेता देवी स्टार्ट राइटिंग? द करेक्ट आंसर इज 13. एट व्हाट एज डिड महाश्वेता देवी डाई? द करेक्ट आंसर इज 90. महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन 1926 एंड डाइड इन 2016. इसलिए वो पूरा 90 ईयर्स जी दोस्तों. हुम डिड महाश्वेता देवी मैरी? द करेक्ट आंसर इज बिजन भट्टाचार्य. विच एनिमल क्रॉस्ड मैरीज वे व्हेन शी वॉज गोइंग टू मीट तहसीलदार? द करेक्ट आंसर इज हेजहॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मैरी प्रेजेंट टू जालिम एज अ गिफ्ट? ऑप्शंस गिवन आर कलर्ड कॉटन वेस्ट, बुके, डायरी और नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज कलर्ड कॉटन वेस्ट. विच इशू डज महाश्वेता देवी एग्जामिन इन द हंट? ऑप्शंस आर रेस, क्लास, जेंडर, ऑल द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव. हु इज डिक्सन इन द स्टोरी? द करेक्ट आंसर इज अ वाइट मैन. हु गेव दिस स्टेटमेंट अबाउट मैरी? यू लुक लाइक हेमा मालिनी. जालिम, बनवारी, प्रसाद जी, तहसीलदार. द करेक्ट आंसर इज तहसीलदार. व्हाट इज द नेम ऑफ कोल हाल्ट? ऑप्शंस गिवन आर एमिनो, डाल्टन, तोहरी और नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज तोहरी. व्हाट इज द कलर ऑफ कलेक्टर्स शर्ट व्हेन ही कम्स टू मीट मैरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी? इन द सेम शर्ट ही इज हंटेड बाय मैरी. ऑप्शंस गिवन आर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड. द राइट आंसर इज रेड. आवर 50th क्वेश्चन इज द स्टोरी हंट एंड्स विद द वर्ड्स शी हैज किल्ड द बिगेस्ट बीस्ट. हु इज द बिगेस्ट बीस्ट मेंशनड हियर? जालिम, कलेक्टर ऑल्सो कॉल्ड तहसीलदार, प्रसाद जी, रतन सिंह. द करेक्ट आंसर इज कलेक्टर, जिसको तहसीलदार भी कहा गया है दोस्तों. विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.